शिमला संसदीय क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप का धुआंधार चुनाव प्रचार लगातार जारी है। सुरेश कश्यप ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र पचछाद में सोड़ा थ्याड़ी, चमेंजी, बशेच, बगड़, महलोग लाल टिक्कर और बजगा में चुनाव प्रचार कर समर्थन जुटाया। इस दौरान सुरेश कश्यप ने नुक्कड़ सभाओं में पूर्व की कांग्रेस सरकारों को जमकर घेरा। सुरेश कश्यप ने कहा कि आज दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का निर्माण हो रहा है, जहां पूर्व में भारत में आतंकवाद, नक्सलवाद और अराजकता फैली हुई थी, वहीं आज उसे जड़ से खत्म कर दिया गया है। पहले आतंकी हमले होते थे, निर्दोष भारतीय मारे जाते थे, डर का माहौल सभी भारतीयों में बना रहता था। जबकि बीजेपी आतंकवाद के मुद्दों को संसद में उठाती थी, तब कांग्रेस का जवाब था कि आतंकवाद सीमा पार से है, और अब छोटा सा भी कोई पटाखा फूट जाए तो पाकिस्तान सफाई देने लगता है कि हमने नहीं किया। पाकिस्तान को अब ये पता है कि ये नया भारत है, अगर हम इसे छेड़ेंगे तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। सुरेश कश्यप ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल बाबा पाकिस्तान को सम्मान देने की बात करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि ये मोदी की सरकार है जो दुश्मन को सबक सिखाना जानती है। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि इंडी गठबंधन के लोगों की सच्चाई देश के सामने आ गई है। इस गठबंधन का मात्र एक ही लक्ष्य है कि अपने और अपने परिवारों का संरक्षण कैसे करें। इंडी गठबंधन में बेशक कई दल हो, लेकिन दुकान एक ही है। ये झूठ, तुष्टिकरण, परिवारवाद, अलगवाद और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। इंडी गठबंधन में वही लोग हैं जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। उनका एजेंडा है कश्मीर में फिर से धारा 370 लगा देंगे। इस गठबंधन को जनता को ये बताना चाहिए कि उनकी इस घमंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन होगा। सुरेश कश्यप ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी ने प्रदेश का चौमुखी विकास किया है, उसे देखकर जनता एक बार फिर से मोदी सरकार को सत्ता में बिठाने के लिए आतुर है। धाड़ी में भी सोड़ा धाड़ी की सड़क की बात करें, या स्कूल की बात करें, या खीर वैल्यू की सड़क की बात करें, या बहुत सारे दूसरे काम, सामुदायिक भवन भी यहाँ पर बनाए, इस पंचायत में भी कोई कसर हमने नहीं छोड़ी। और पूरे के पूरे पचास विधानसभा क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसी पंचायत होगी, ऐसा कोई गांव होगा जिसमें कोई ना कोई काम हमने ना किया। और अब मैं आगे को भी आश्वस्त करना चाहूंगा, आज हमारी विधायिका रीना कश्यप जी हैं, मैं सांसद हूं, हमारा एक प्रयास रहेगा कि किस प्रकार से इस क्षेत्र के लिए, अपने संसदीय क्षेत्र के पछाद विधानसभा क्षेत्र के लिए हम मिलकर काम करें, ताकि अपने इस विधानसभा क्षेत्र को और आगे ले जाने में हम कामयाब हो सके। लेकिन आज तो क्योंकि चुनाव का समय है और मुझे आपसे वोट की अपील करनी है, 1 तारीख को मतदान है और 1 तारीख के लिए मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा, पहली बात तो यह है कि हम घर घर जाएं, हम डोर टू डोर प्रचार करें। और मैं समझता हूं इस काम में हम लगे भी हुए हैं, हम एक बार नहीं 2 बार जाएं। और आज मैं ये बात भी आपको कह सकता हूं कि कांग्रेस के मित्र भी कहते हैं कि अब की बार देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, ये विधानसभा का चुनाव या पंचायत का चुनाव नहीं है, और देश के खातिर वो भी मोदी जी के लिए वोट करना चाहते हैं। लेकिन हम उनसे निवेदन करेंगे, हम उनसे मिलेंगे, उनसे आग्रह करेंगे, तो निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। बहुत लंबी बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि काफी देर से आप लोग इंतजार भी कर रहे हैं और मुझसे पूर्वक्ताओं ने बात भी सारी रख दी है। मुझे तो केवल वोट की अपील आपसे करनी है कि जिस प्रकार से 2007 से लेकर और 2019 तक लगातार आप लोग का आशीर्वाद मिला और मुझे पंचायत से लेकर और देश की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट तक आपके आशीर्वाद से काम करने का मौका मिला, ये तभी संभव हो पाया जब आप लोगों का भरपूर आशीर्वाद, भरपूर स्नेह, भरपूर प्यार मुझे मिला। एक बार फिर से पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है और आज भी मैं इसी निवेदन के साथ आपके मध्य आया है। वैसे ये तो मेरा घर है, मेरी जन्मभूमि भी पछाद है और मेरी कर्मभूमि भी पछाद है,
लेकिन फिर भी अपने परिवार में भी मैंने प्रयास किया है कि जाकर जितना संभव हो सकता है हम घर जाएं और अपने लोगों से भी वोट की अपील करें। और उसी कड़ी में आज सैनधार क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों का एक कार्यक्रम रखा गया है। पिछले कल मैं राजगढ़ क्षेत्र में था। प्रयास यही है कि किस प्रकार से हम इस चुनाव में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना सके। वहीं सुरेश कश्यप ने कहा है कि देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है और अब की बार 400 बार के नारे से देश एक स्वर में गूंज रहा है। देश ही नहीं दुनिया भी आश्वस्त है कि 4 जून को क्या परिणाम आने वाला है। कांग्रेस को उसके कारनामों के कारण देश ने इस हाल में भी नहीं छोड़ा है कि वो 400 सीटों पर भी अपने प्रत्याशियों को चुनाव में उतार सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।